इस तरीके का पैक लगाने से आपके आंखों के नीचे का जितना भी गहरा डार्क सर्कल हो वो सारा दूर हो जाएगा और आप डार्क सर्कल की समस्याएं से निजात पा जाएंगे। हाय गाइस, दिस इज मीनाक्षी सिन्हा हियर, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप लोग मेरे चैनल को पसंद करने के लिए। और मेरे चैनल में जितने भी आपको मैं हॉल दिखाती हूँ, साथ में ब्यूटी से रिलेटेड मैं कुछ दिखाती हूँ, तो फ्रेंड मेरे हॉल के साथ साथ आप मेरे ब्यूटी टिप्स को भी फॉलो करें, बहुत ही काम की चीजें होती है। तो आज मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाए तो उसका कौन सा घरेलू उपाय है जो कि बहुत ही कारगर है। और आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी, आप शादी विवाह में भी बहुत सारी महिलाओं को देखते होंगे कि काफी ज्यादा मेकअप करने के बाद भी आंखों के नीचे का वो कालापन नहीं दूर कर पाती है, और आप कितना भी कंसीलर लगा लो, कितने भी फाउंडेशन लगा लो, आपको वो नहीं छुपता है और बहुत ही गंदा लगता है वो आंखों के नीचे का डार्क सर्कल, आपके फेस की खूबसूरती को बहुत ही खराब कर देता है। तो इसके लिए आप कितना भी आयुर्वेदिक होम्योपैथी कोई भी दवा लो, आपको वो उतना कारगर नहीं है जितना आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक टिप्स, जिसमें आपको बहुत ही कम खर्चे लगने वाले हैं और उसके साथ साथ आपको कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होने वाला है। और ये सारे आइटम आपके किचन में और आपके घर में अवेलेबल होते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या लेने चाहिए, और लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसा टिप्स देने वाली हूँ जो कि आजमाया हुआ नुस्खा है, जो कि मेरे दादी माँ और नानी माँ साथ ही मम्मी काफी यूज करती थी, उनको भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का छाइयां और डार्क सर्कल की प्रॉब्लम आ जाती थी। तो इनसे मैंने देखा है बचपन से कि ये चीज लगाने से उन लोगों का ये काफी ज्यादा हट जा रहा था और वो उनकी त्वचा काफी अच्छी हो जाती थी। तो वीडियो को पूरा देखे, आपको कहीं भी मिस नहीं करना होगा, नहीं तो फिर आप बहुत कुछ नहीं जान पाओगे। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते आज के वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मुझे लेना होगा इसके लिए, तो सबसे पहले आपको एक साफ सुथरी प्लेट लेनी होगी और साथ में उसमें आपको डालना होगा कॉफ़ी पाउडर, और अब मैं उसमें डाल रही हूँ एलोवेरा जेल। अगर आपको पौधे से मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा है, मैंने पतंजलि का यूज करा है। और अब मैं उसमें डालूंगी विटामिन ई का कैप्सूल। ये तीनों चीज़ डालकर इसे अच्छी तरीके से मिला लें, और मिलाने के बाद आप इसे काफ़ी देर तक, जब तक इसमें लम्स रहे तब तक आप इसको अच्छे तरीके से मिला लें, और फिर अपने फेसों को अच्छी तरीके से बोले और अब अपने फेस पे से अप्लाई करें। जब भी आप कोई फेस पैक या आप आई पैक लगा रहे हो तो सबसे पहले आप अपने फेसों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। मैंने अपने फेस को धो लिया है, मैंने लिपस्टिक लगाया हुआ है और अब मैं इसे अपने आंखों के नीचे इस्तेमाल कर रही हूँ। एक मोटी परत आप इसमें डालेंगे, चूंकि विटामिन ई है और साथ में एलोवेरा जेल भी डाला है मैंने पतंजलि का, तो ये ज़्यादा पानी जैसा नहीं होगा और ये आपके फेस पे नीचे पिघले पिघल के गिरेंगे नहीं, तो ये काफ़ी अच्छे से आपके आंखों के चारों तरफ बैठ जाएगा और पूरा गोलाई में जहाँ जहाँ आपके डार्क सर्कल है वहाँ वहाँ आप इसको यूज करें। एक मोटी परत अच्छी तरीके से लगा लें, और मोटी परत लगाने के बाद इसे आप चारों तरफ इस तरीके से फैलाएं कि कहीं का भी एरिया ना छूट पाए। आप देख मैंने एक मोटी परत मैं इसमें लगा रही हूँ और चारों तरफ अच्छे तरीके से लगा ले, ताकि आप इसे जब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ें तो ये पूरा तरीके से आपके आंखों के डार्क सर्कल के ऊपर काम कर पाए। इसमें कॉफ़ी रहता है, कॉफ़ी में कैफीन रहता है जो कि आपके आंखों के नीचे की गंदगी को बहुत ही जल्दी साफ करता है। और ये देखिए इस तरीके से आप लगाकर 10 से 15 मिनट छोड़ दें, और जब ये सूख जाए तो इसमें थोड़ा सा मैंने लिया है एलोवेरा जेल और वो लगाकर मैं इसे हल्के हल्के हाथों से मसाज दूंगी। जिस तरीके से मैं मसाज कर रही हूँ आप देख पा रहे होंगे सारे क्लॉकवाइज है, आप कभी एंटी क्लॉकवाइज ना करें क्योंकि इससे फिर आंखों के नीचे आपको लाइनिंग आने की समस्या हो जाएगी। और आपको 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद इसे आप कॉटन के सहारा से, जैसे मैंने कॉटन लेकर अपने आंखों के नीचे को हल्के हल्के हाथों से मैंने इसे पोछा है, और आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा ये काम कर रहा है, पूरा आपको आंखों के नीचे एकदम साफ हो चुका है। अब मैं इसे ठंडे पानी से धो ली हूँ, और अब मैं ले रही हूँ ये एक बर्फ का टुकड़ा और इसे कॉटन के कपड़े में मैंने लपेटा है, और अब 2 से 3 सेकंड के लिए मैं अपने आंखों के नीचे, दोनों आंखों के नीचे मसाज दूंगी इसे। इस तरीके से आप देंगे बर्फ काफ़ी फायदा करता है आपकी स्किन को टाइटनिंग, व्हाइटनिंग और लाइटनिंग रखने के लिए, तो बर्फ गर्मियों में बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद मैं हल्के से मैंने एलोवेरा जेल लिया है, और ये जेल से मैं इसे हल्के हल्के हाथों से आंखों के नीचे जहाँ जहाँ
डार्क सर्किल है वहाँ पे मैंने मसाज करा है। और ऐसा करने के बाद आप इसे छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, आप उसमें आई मेकअप ना करें। बेहतर होगा कि ये उपाय आप सुबह और शाम दोनों समय करें, एक तो पहला नहाने के वक्त और दूसरा आप रात को सोने के वक्त, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। आपके आँखों के नीचे की डार्क सर्कल की समस्याएँ बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। इसे आप कंटिन्यूसली 15 दिन करके देखें फ्रेंड, बहुत ही अच्छा असर आएगा। तो देखा फ्रेंड कैसा लगा आज का मेरा ये टिप्स आजमाया हुआ टिप्स है, कोई बताने वाला नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़कर ये मैंने घर में देखा है, अपने मम्मी को, अपने नानी को, अपनी दादी को इस तरीके का आजमाया हुआ नुस्खा अपनाने के। वो उनके जो फेस पे छाइयां और दाग धब्बे हो जाते थे, डार्क सर्कल हो जाते थे, उस समय इतने एलोवेरा जेल वगैरह नहीं होते थे, तो वो उस समय क्या करती थी, तो उनके लिए मैं एक टिप्स बता रही हूँ कि वो क्या यूज़ करती थी। तो वो यूज़ करती थी गाय का दूध, जब अब ताज़ा गाय जब दूध उनका निकाल रहे हो तो उनके बाल्टी में जो फेन आ जाती है ना, वो गाय के दूध का फेन जो कि ऊपर झाग टाइप का होता है, उनको आप ताज़ा ले और तुरंत में बिना पिघले हुए उनको अपने आंखों के आसपास लगाए, और जहाँ फेस पे भी बहुत सारी महिलाओं को फेस पे भी काले काले दाग धब्बे झुरियाँ हो जाती है, तो उनके लिए ये बहुत ही सटीक नुस्खा है। आप एक बार ही आप लगा के देखो और आपको ये लगातार करने होंगे कम से कम 15 दिन, और उसके बाद आप मेरे को कमेंट करना कि आपका दाग और झाइयाँ गया या नहीं गया। तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा आज का ये एपिसोड, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट दें, और वो टिप्स मैंने बताया है उसको आप जरूर से आजमाएं। आपके फेस से काले दाग धब्बे झाइयां डार्क सर्कल ये सारी समस्याओं का निदान है। साथ में ये पैक भी ट्राई करते रहे लगातार, आप कम से कम डेली नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में 3 दिन आप करो, आपके आंखों के नीचे का डार्क सर्कल बिल्कुल ही चला जाएगा। और गर्मियों में आप हमेशा अपने चेहरे की स्किन पे आंखों के नीचे आप बर्फ के टुकड़े का इस्तेमाल करें, लेकिन बर्फ का टुकड़ा डायरेक्ट अपने फेस पर ना लगाएं। बर्फ के टुकड़े को लगाने के लिए कॉटन कपड़ा या पॉलीथीन बैग में आप डालकर लगाएं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।